हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और यहाँ पे सुबह सुबह बन रही है कढ़ी चावल रोटी, और जो कि ये ऐसा खाना होता है कि बारात के वापस आने से पहले पहले जो है सारा खाना पीना हो जाता है। यहाँ पे हो रही है रोटियाँ, रोटी पूड़ी कढ़ी चावल सब्जी सब बनता है, जिसे हम बोलते हैं गौन। और ये ऐसी पूजा होती है कि बारात के वापस आने से पहले पहले ये पूजा हो जाती है, खाना पीना हो जाता है सबका। और ये किस किस के यहाँ पर होती है ये वाली पूजा मुझे ज़रूर बताना, लेकिन होती होगी सबके यहाँ पर, बस नाम जो है अलग अलग होते होंगे। और इसमें ना सिर्फ पार्वती की पूजा होती है बस सिंपल से, और यहाँ पर जो है सब्जी बनाने की तैयारी हो रही है। तो इसे बोलते हैं वो वाली पूजा, गौरी शंकर की जो पूजा होती है। और लड़के को जो हल्दी और तेल चढ़ाती है, जैसे कि भाभी और बहनें, बस वही बैठती हैं जो हल्दी और तेल चढ़ाते हैं। और जब ये वाला खाना खाते हैं ना, तो इसमें बोला नहीं जाता बिल्कुल भी, जब तक खाना ख़त्म ना हो जाए, और सारा खाना ख़त्म करना होता है। और इसमें ना हमारे यहाँ पे एक रिवाज ये भी होती होगी, पता नहीं सबके यहाँ होती कि नहीं होती है, हमारे यहाँ पे ये होता है कि ये जो लड़का बैठा है छोटा सा, इससे ना सबके लिए गाली दिलवाई जाती है। मुझे तो हंसी भी आती है, लेकिन अच्छी नहीं लगती ये वाली रिवाज। पहले बच्चों को बोलते हैं कि गाली देना गंदी बात होती है, फिर उसी बच्चे को बोलते गाली दे दो भैया, हमारी माई कह रही है गाली दे दे, पैसे दूंगी मैं। लेकिन बच्चा बोल नहीं रहा, भैया लड़का बोल नहीं रहा, लड़का खुद सोच रहा है कि क्या बुलवा रहे हैं मुझसे। ऐसे हमारे यहाँ पे ये रिवाज है, बताओ। लेकिन क्या कर सकते हैं, जो शुरू से चलती आ रही है बस वही चलता आ रहा है, शुरू से ही ऐसा होता है। मैंने बहुत छोटे पे से देखा है कि ऐसा होता आ रहा है। तो ये देखो भैया, बच्चे ने बोल ही दिया, कितनी कोशिश की उनसे, बहुत ज़बरदस्ती करा बोलने के लिए, जब जाकर उसने बोल ही दिया अब खाना पीना होगा। इसमें बोलते नहीं है बिल्कुल भी, चुपचाप खाना खाया जाता है बिना बोले, जब तक ख़त्म ना हो जाए। अच्छा, एक बार मुझे ज़रूर बताना कि भैया ये वाली रिवाज किस किस के यहाँ पर होती है। हमारे यहाँ तो भैया होती है, आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि भैया हाँ होती है या नहीं होती है, ठीक है। इसलिए मैंने आप सबको क्लियर ही बताया कि आप लोग जो अच्छे से समझ पाओ कि क्या हो रहा है यहाँ पर। फिर खाना खाने के बाद जो है अलका निकाला गया था, जो कि बारात लौटने से पहले ये सब कुछ होता है हमारे यहाँ पर, इसको अलका बोलते हैं। और इसमें भी गाली वाले गाने दिए जाते हैं, इसलिए मैंने वॉइस ओवर किया है, क्योंकि जो भैया ब्लॉगर हैं, वीडियो बनाते हैं यूट्यूब पर, उनको सबको पता है कि भैया गाली वाले या कोई भी गाली वाला वर्ड होता है हम डाल नहीं सकते उस पर। तो इसलिए मैंने आपके साथ वॉइस ओवर करके बताया कि हो क्या रहा है यहाँ पर। तो बस सारी लेडीज से जो है घर घर जाके इसी तरीके से गाली वाले गाने देते हैं और अलका निकालते हैं। फिर इस झंडे को जो है गाँव में क्या होता है कि पेड़ के पास रख देते हैं, मतलब जो दूल्हा आता है फिर उसे उतार के एक तरफ रख देता है। अब शहरों में तो भैया पेड़ है नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक कोने में रख देंगे, और फिर जो बारात लेके वापस दूल्हा आएगा उस कोने से हटा के एक तरफ रख देगा। तो बस हो गया, ये वाली रस्म होती है यहाँ पर। 12 बज गए हैं और अभी तक बारात लौट कर नहीं आई, और इंतज़ार कर रहे हैं कि बारात आ जाए और हम भी अपने अपने घर निकले भाई। और खाना पीना सब हो गया है, सारा काम हो गया, बस बारात का इंतज़ार कर रहे हैं कि बारात आ जाए, वो अपने घर आ जाए, उनको देखकर फिर निकलते अपने घर के लिए। और इतना थक गए हैं ना, रात को तो नींद ही ना आई, हम कब सोए हैं, 2:30 बजे वो बंद हुआ, 3:30 बजे 3 बजे के आसपास सोए हैं, और 5 बजे फिर जग गए हैं। फिर घर का काम करा सारा, और सबको मतलब खाना पीना जो होता है वो बनवाया साथ में, कोई था ही नहीं घर में, ज़्यादा लोग नहीं थे, 3-4 लोग थे बस बनाने के लिए। और वैसे तो 2-3 लोग लौट कर आ गए थे बारात में, रात में ही 4 बजे, लेकिन भाई थके हुए थे वो, तो आते ही काम तो करेंगे नहीं, तो सो गए थे वो लोग थोड़ी देर के लिए। फिर थोड़ा सा काम हम करने के बाद फिर मतलब अब जाके हम लोगों ने खाना पीना भी खा लिया है, तो बस बारात आ जाए और घर के लिए निकलते हैं फिर। तो भैया अब यहाँ पर जो है दुल्हन आ गई है विदा होकर, और यहाँ पर क्या होता है, जो दूल्हे की मम्मी है ना वो गाड़ी का पूजन करती हैं, और जब तक जो ड्राइवर है अपना नेक ना ले ले जब तक भैया दुल्हन को नीचे उतरने नहीं देते हैं। और इनका होता है, हक होता है, सबका अपना अपना नेक होता है भैया। Yeah.
डीजे फिर यहाँ पर जो है नई दुल्हन का कुछ इस तरीके से स्वागत होता है। यहाँ पर ससुराल में टीका करके दरवाजे पर जितने भी घर में लेडीज है जो भी रिश्ते में लगती है सब लोग टीका करते हैं और जिनके पति जो जो काम करते हैं उनको लेकर के जो है गाना गाए जाते हैं। आपको आगे सुनने को मिलेगा कैसे कैसे गाने गाए जाते हैं। तो ये लो जी, यहाँ तो कुछ अलग से ही गाना बना दिया मेरे लिए वीडियो के ऊपर। बताऊँ मैं वीडियो बनाने के पैसे लेकर आई। तो अब आ गई है बहनों की बारी। तो भैया तीनों बहनें जो है दरवाजा रोक के खड़ी हैं कि तब तक तगड़ा सा नेक ना मिले भाभी को अंदर नहीं जाने देंगे। और हो भी क्यों ना भैया, लास्ट ब्याह है, आखिरी ब्याह है भैया का, तो अब किससे नेक लेंगे। तो भैया तगड़ा सा तो बनता ही बनता है, बहनों का, भाभी का, सब का ही बनता है। तो यहाँ पर सब कुछ होने के बाद जो है दुल्हन को अंदर लिया गया। फिर यहाँ पर सारी पूजा वूजा जो होती है वो हो गई है और हम लोग निकल रहे हैं अपने घर के लिए। घर में नई बहू आने के बाद जो है सब रिश्तेदारों को अपने अपने घर जाने की पड़ती है। ऐसी लड़की का होता है कि जब विदा हो जाए ना फिर उनको भगने की पड़ती है। अब लड़के की शादी में तो भैया बहू आने से रौनक हो जाती है और लड़की की शादी में भैया लड़के की विदा होने से तो भैया पूरा घर सूना हो जाता है। तो चलिए फिर वीडियो को एंड कर देते हैं, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना कि आज का आपको ब्लॉग कैसा लगा। तो चलिए फिर वीडियो करते थे, बाय बाय।